हमने बात की रिच स्निपेट डेटा यानी कि स्ट्रक्चर डेटा गूगल पसंद करता है और आपको अपनी वेबसाइट में उसको डालना है ताकि वो आपकी वेबसाइट गूगल में बेहतर नज़र आए। गूगल ने इसके लिए एक टूल भी दिया है हमें जिसका नाम गूगल स्ट्रक्चर डेटा टेस्टिंग टूल है। आप इस टूल के मदद से अपनी वेबसाइट पे या किसी की वेबसाइट पे जो भी डेटा स्ट्रक्चर डेटा लगा हुआ है उसको आप टेस्ट कर सकते हैं। मैं आपको इस टॉपिक में हैंड्स ऑन करके बताऊंगा कि बेसिकली वो टूल क्या करता है और आप कैसे किसी भी वेबसाइट को देख सकते हैं। आइए देखते हैं। गूगल स्ट्रक्चर डेटा टूल ढूंढने के लिए मैं गूगल पर जाऊँगा और स्ट्रक्चर डेटा टेस्टिंग टूल लिखूँगा और एंटर कर दूँगा। आपको सर्च रिजल्ट में मिल जाएगा, नहीं तो आप डायरेक्ट भी इसका यूआरएल अगर आपको याद हो जाए आप डायरेक्ट भी विजिट कर सकते हैं। तो ये वो टूल है जिसके तहत आप गूगल किसी भी यूआरएल को टेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको यूआरएल एंटर करना होता है। अगर आपने यूआरएल अभी नहीं बनाया, मतलब अभी आप कोडिंग कर रहे हैं या आपका अभी कोड रेडी नहीं हुआ लाइव जाने के लिए, तो आप कोड स्निपेट पर जाकर अपना यहाँ कोड ऐड करें तो वो भी आपको बता देगा कि आपका कोड में जो भी डेटा है वो क्या उसमें स्निपेट्स हैं कि नहीं। तो फॉर एग्जांपल टेस्ट के लिए मैं एक वेबसाइट लूँगा, मिसाल के तौर पर मैं वीयू की ही वेबसाइट लेता हूँ। वीयू यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर देखते हैं कि क्या उन्होंने अपनी वेबसाइट पर स्निपेट्स लगाए हैं या नहीं लगाए हैं। आप ये वेबसाइट लोड होगी वीयू यूनिवर्सिटी की, मैं इसका यूआरएल कॉपी करूँगा और मैं जाके स्ट्रक्चर डेटा टेस्टिंग टूल में पेस्ट करूँगा और इसको टेस्ट को रन करूँगा। वो क्या करेगा, गूगल उस वेबसाइट पे जाएगा, उसका सारा कोड उठाएगा और ये लेफ्ट साइड पे जितना भी देख रहे हैं आप, ये पूरी वेबसाइट का कोड उसने अपने यहाँ पर कॉपी कर लिया है। और आपको मैंने पहले भी बताया कि गूगल एक्चुअली यही देखता है, हमें विजिबल डिफरेंट डिस्प्ले नज़र आता है लेकिन एक्चुअली गूगल कोड पढ़ता है। अब इस कोड के अगेंस्ट राइट साइड पर आप देखें तो उसने लिखा है कि यहाँ पर कुछ भी डिटेक्ट नहीं हुआ उसको। सो ये सारा सेक्शन जो है ये ब्लैंक है। ये ब्लैंक होने का मतलब ये कि इस वेबसाइट पर कोई भी स्निपेट डेटा नहीं लगा। तो मैं टेस्ट को बेहतर करने के लिए हम करते ये हैं कि मैं एक मोबाइल का नाम सर्च करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं एक मोबाइल का नाम ढूंढता हूँ, सैमसंग गैलेक्सी S9, और इसको मैं सर्च कर लेता हूँ। अब मैं रिजल्ट्स में देखूँगा, जैसे कि हमने पहले बात की कि आप ये देख सकते हैं कि जितने भी ये रिजल्ट्स आ रहे हैं इनमें आपको ये स्टार रेटिंग नज़र आ रही है, उसके बाद रिव्यूज़ का आपको पता चल रहा है, उसमें आपकी प्राइसेस आ रही हैं और फिर ये भी बताया जा रहा है कि स्टॉक में है कि नहीं है। और ये तकरीबन सारी वेबसाइट जो टॉप पर रैंक कर रही हैं उन सबका नज़र आ रहा है। इसमें से कोई भी एक वेबसाइट पकड़ते हैं और उसको ओपन कर लेते हैं। जैसे ही मैं एक वेबसाइट को ओपन करूंगा, अब मुझे इस वेबसाइट के ऊपर तो नज़र नहीं आ रहा कि ये डेटा कहां पर ऐड हुआ है इस स्निपेट्स का। इसको चेक करने के लिए मैं इसका यूआरएल कॉपी करूंगा और स्ट्रक्चर डेटा टेस्टिंग टूल में जाकर अब इसको मैं नया टेस्ट रन करने के लिए यहाँ से न्यू टेस्ट के बटन पर क्लिक करूँगा और मेरे सामने वो पॉपअप दोबारा आ जाएगा। यहाँ पर मैं अपना यूआरएल पेस्ट करूँगा और एक नया टेस्ट रन करूँगा। अब गूगल क्या करेगा, इस टेस्ट के दौरान वो आपका कोड उठाएगा और यहाँ पर कॉपी कर लेगा और उस कोड को रीड करके ये बताएगा कि बेसिकली आपकी वेबसाइट में कौन कौन से स्ट्रक्चर डेटा लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड पे कोड फिर आ गया है, लेकिन राइट साइड पे आप देखेंगे कि कितनी तरह के उसने हमें स्ट्रक्चर डेटा आइटम्स बताए हैं, जिसमें ऊपर 0 एरर्स, 0 वार्निंग्स और 4 आइटम्स बता रहा है। 4 आइटम्स का मतलब ये कि इसमें 4 आइटम्स हैं जबकि वार्निंग कोई नहीं है और एरर भी कोई नहीं है। वो 4 आइटम कौन सी हैं, वो एक ऑर्गेनाइजेशन है, इस पर क्लिक करते हैं तो गूगल को ये पता है कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम वट मोबाइल है, उसकी एक डोमेन है, उसका एक पेज है मोबाइल का m.whatmobile.com.pk और उसका एक फेसबुक पेज है। ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन का यूआरएल है। फिर आप ब्रेड क्रम्स देखें, ये हमने पढ़ा था ब्रेड क्रम्स के बारे में कि आप किस तरह से ऐड करते हैं। तो अगर आप योस्ट का प्लगइन ऐड करें या कोई भी और ब्रेड क्रम अगर आप ऐड करवाएंगे तो इस फॉर्मेट में अगर होगी तो गूगल उसको पिक कर सकेगा और उससे आपको वो फिर गूगल में रिजल्ट्स भी दिखाएगा। वेबसाइट का टैग भी लगा हुआ है जिसमें वो बता रहे हैं कि एक वेबसाइट है, उसका नाम वट मोबाइल है। अब आप ये सोचेंगे कि हर वेबसाइट तो वेबसाइट ही होती है, गूगल को ये भी नहीं पता। तो जी आप बिल्कुल गूगल को ये भी नहीं पता कि ये वेबसाइट है, हमें बताना पड़ता। और फाइनली एक्चुअल जो स्कीमा जो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा था सर्च में, जो आपको स्टार रेटिंग नज़र आ रही थी, मैं यहाँ से बैक पे जाके आपको वापस दिखाता हूँ, तो आपको नज़र आएगा कि यहाँ पर आपने ये जो देखा था कि इसकी 5 रेटिंग थी, 63 रिव्यूज़ थे और 91,000 प्राइस थी। बेसिकली इन्फॉर्मेशन ये प्रोडक्ट स्कीमा से आ रही है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि नीचे ये पूरा का पूरा एक उन्होंने ऐड किया हुआ है, उसमें स्कीमा क्या लगा हुआ है, उसकी टाइप प्रोडक्ट है, उसकी कैटेगरी मोबाइल फ़ोन्स हैं और उसका नाम सैमसंग गैलेक्सी S9 है, उसका URL है, उसका इमेज है और करते करते उन्होंने पूरी इन्फॉर्मेशन डाली हुई है। एक चीज़ आप नोट करेंगे कि जैसे मैं किसी एक आइटम पर क्लिक करता हूँ तो वो जो है लेफ़्ट साइड पे मुझे वो दिखा देता है कि उसका कोड कहाँ पड़ा हुआ है। सो आप देखेंगे कि लेफ़्ट साइड पे ये सारा कोड प्रोडक्ट
स्कीमा का पड़ा हुआ है और ये एग्जैक्टली उसी कॉन्टेक्स्ट में है, उसी फॉर्मेट में है जो मैंने आपको पहले बताया था। सो अब जब आप ये प्रोडक्ट स्कीमा पे देखेंगे तो बेसिकली गूगल यहाँ से उठा के बता रहा है कि इसकी वैल्यू 5 है, इसमें टोटल 63 अकाउंट्स हैं, ये एक ऑफर है जिसकी प्राइस 91,000 है, उसका ये भी इन्होंने बताया कि ये स्टॉक के अंदर अवेलेबल है। उसके बाद इसका सेलर कौन है, उसकी ऑर्गेनाइजेशन की टाइप है, और उस ऑर्गेनाइजेशन की टाइप के बाद उसका नाम लिखा हुआ है कि ये सैमसंग सेल कर रहा है। तो बेसिकली यहाँ से ये वो इन्फॉर्मेशन है जो इसकी वेबसाइट पे पड़ी हुई है वट मोबाइल की, और वो गूगल उठाकर यहाँ पर दिखा रहा है लोगों को, जिससे यूज़र को भी फ़ायदा हो रहा है और गूगल को भी फ़ायदा हो रहा है। यहाँ पर आप जब आएंगे तो यहाँ देखेंगे आपके बेसिकली अगर आपने किसी पे क्लिक करना हो तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि मैं पहले 3 पे क्लिक करूँगा जिसमें मुझे ज़्यादा डिटेल्स मिल रही हैं, जिसमें उन्होंने रेटिंग्स भी लिखी हुई हैं, प्राइसेस भी लिखी हुई हैं, या मैं बाकी ये जो दो एक्स्ट्रा रिजल्ट्स आ रहे हैं नीचे इन पे क्लिक करूँगा जिनमें एक्स्ट्रा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही, सिर्फ टाइटल URL और डिस्क्रिप्शन आ रही है। सो अल्टीमेटली आप खुद ही बेहतर आप समझेंगे कि जहाँ पर ज़्यादा रिजल्ट्स आ रहे हैं, जिस तरह से ये देखें यहाँ पर इसको ज़्यादा चीज़ें नज़र आ रही हैं, फिर नीचे भी स्टार नज़र आ रहे हैं, करते करते जो ज़्यादा मुझे डिटेल्स देगा मैं वहाँ पर क्लिक करूँगा। इससे आपका बाउंस रेट कम होगा, आपका यूज़र का डिसीजन बेहतर होगा, और जब जहाँ पर जाके देखेगा कि मैंने कहाँ से बाय करना है तो वो अल्टीमेटली वहाँ पर रिजल्ट मिलेगा। तो फॉर एग्जांपल मैं अगर देखूँ कि पहली वेबसाइट में प्राइस 91,000 लगी हुई है जबकि दूसरी वेबसाइट में 77,000 से लेकर 99,000 की रेंज दी हुई है, तो पहली वेबसाइट ने रेंज नहीं दी लेकिन दूसरी वेबसाइट में मुझे लग रहा है कि शायद ये बेहतर है क्योंकि इसमें कम से कम भी प्राइस दी हुई है और ज़्यादा से ज़्यादा भी प्राइस दी हुई है, हो सकता है मुझे एक अच्छी डील मिल जाए जो कि कम पैसों में मिलेगी, जबकि तीसरी वेबसाइट में उन्होंने प्राइसेस नहीं दी हैं। तो ये टोटल आपके कंट्रोल में है कि आपने कौन सी इन्फॉर्मेशन दिखानी है, कौन सी नहीं दिखानी। आप गूगल के स्ट्रक्चर डेटा टेस्टिंग टूल से जाके कोई भी वेबसाइट रिव्यू कर सकते हैं, और अगर आपने अपनी वेबसाइट में कुछ ऐड करवाया है या क्लाइंट की वेबसाइट में कुछ ऐड करवाया है आप वहाँ पर भी इसको टेस्ट कर सकते हैं उस URL को। यहाँ पर जैसे कि आपने देखा कि आप गूगल स्ट्रक्चर डेटा टेस्टिंग टूल से किसी का भी कोड देख सकते हैं स्निपेट्स का, और अपना भी उसमें कोड लगा हुआ टेस्ट कर सकते हैं कि आया डेवलपर ने ठीक लगाया भी कि नहीं लगाया। लगाने के लिए आपको schema.org से जाके उसका कोड का फॉर्मेट लेना है। अगर आपकी वेबसाइट प्रोडक्ट लगी हुई है तो प्रोडक्ट का फॉर्मेट उठा लें, अगर आपकी रेसिपी है, पर्सन है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसका फॉर्मेट उठा लें, और अपने डेवलपर से कहें कि भाई मुझे ये फॉर्मेट चाहिए, वो खुद ही आपको कोड में ऐड कर देगा, और बाद में आप टेस्ट कर लेंगे कि भाई मेरे पास तो नज़र नहीं आ रही कुछ चीज़ें और इस वेबसाइट में कुछ चीज़ें ज़्यादा नज़र आ रही हैं। तो ये कैसे हो रहा है, आपने उनको गाइड करना है, आपकी ड्यूटी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन अगर आप नहीं करेंगे, और वो उनको तो पता ही नहीं है क्योंकि वो SEO प्रोफेशनल नहीं है, वो डेवलपर्स हैं, उनको जो कहेंगे वो करेंगे, तो आपकी परफॉर्मेंस से बात आएगी। लेकिन आपने अपनी वेबसाइट अचीव करने के लिए, बेहतर करने के लिए रिच स्निपेट्स ऐड करने हैं और टेस्ट करने के लिए आपको गूगल स्ट्रक्चर्ड डेटा टेस्टिंग टूल अवेलेबल है।